हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं मीन डेविएशन के बारे में, जो कि एक डिस्पर्सन का एक मेज़र होता है। और आपको ये हमेशा काम आएगा जब भी आप डेटा एनालिसिस की बात करेंगे, तो ये मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, डिस्पर्सन, ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो जब भी आपको डेटा का डिस्पर्सन चेक करना होता है, तो आप इन टूल्स का यूज कर सकते हैं। आप देखिए कैसे इनका कैलकुलेशन किया जाता है, तो आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे मीन डेविएशन के बारे में। मीन डेविएशन का मतलब होता है कि आप मीन से उसका डेविएशन निकाल रहे हैं, मतलब कोई वैल्यू है जिसका आपने मीन पहले से निकाला हुआ है और आप देखना चाहते हैं कि वहाँ से कितना डेविएट कर रहा है आपका डेटा। तो उसको मीन डेविएशन को कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, एम डी इज इक्वल टू 1 अपॉन n सिग्मा f(x-x̅), जहाँ पर एक्स बार आपका क्या है, मीन जो आप कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि भाई आपको मीन डेविएशन निकालना है इस डेटा का। तो यहाँ पर कुछ मार्क्स की कुछ रेंज दी हुई है कि 140 से 150 के बीच कितने लोगों ने मार्क्स अचीव किए हैं, 150 से 160 के बीच 6 लोगों ने किए हैं, और ऐसे ही 190 से 200 के बीच 3 लोगों ने किए हैं। अब देखिए, अब देख लेते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होता है इसका। अब देखिए मार्क्स का जो ये कॉलम है, इसमें आपको मार्क्स लिखने हैं, ये सारे जो हैं ये हमको दिए हुए हैं ऑलरेडी सारे। और 190 से 200 फ्रीक्वेंसीज हमको पहले से यहाँ पर गिवन है सारी, तो देख लेते हैं 4, 6, 10, 18, 9 और 3। अब देखिए जैसे हमने मीन निकालने करते हैं, मीन निकालने के लिए भी एक स्टेप डेविएशन से एक तरीका होता है। उसके लिए आप क्या कर लेते हैं, जैसे कि जो मार्क्स दिए हुए हैं इसमें से पहले हमको हमको इसका क्या लेना है, सेंटर लेना है। तो सेंटर के लिए हम इसको फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक्स। तो इसके बीच में 140 और 150 के बीच में जो वैल्यू है वो है 145, 155, 165, 175, 185 और 195। अब देखिए एक हमको जो ज़रूरत पड़ने वाली है वो है सिग्मा एफ की, इसका टोटल है जो सिग्मा एफ, तो वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, वो है हमारे पास 50। एन भी बोलते हैं इसे कभी कभी कभी, तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं करना है। एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ इज इक्वल टू 50। अब देखिए, अब आपको निकालना है डी। डी क्या होता है एक्चुअली, एक्स माइनस आपका एज्यूम्ड मीन, ये है एज्यूम्ड मीन, ठीक है। अब एज्यूम्ड मीन देखा, अब हमको कोई एक वैल्यू यहाँ पे एज्यूम करनी पड़ेगी, तो हम इस 165 को एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको निकालना है एक्स माइनस ए, मतलब इस वैल्यू में से इस वैल्यू को आपको माइनस करना है, ठीक है। -20, -10, यहाँ पे 0, 10, 20 और 30, ओके। अब आपको निकालना है एफ डी, एफ को इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है एफ डी, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं -80, 60, 0, 180, 180 और 90, ओके। इसका हम टोटल निकाल लेते हैं सिग्मा एफ डी की, क्योंकि इसको हम बाद में ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको टोटल करेंगे, इनको जोड़ेंगे और इसमें से आपको इसको घटा देंगे, ओके। अब देखिए यहाँ तक तो हमारे जो कैलकुलेशन करें, अब हम पहले मीन निकाल लेते हैं, अब हमको मीन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसके लिए फॉर्मूला है आपका ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। अब एज्यूम्ड मीन हमारे पास 165 है, सिग्मा एफ डी हमने कैलकुलेट कर लिया 310 अपॉन 50 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 165 प्लस, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 6.2, और ये वैल्यू है हमारे पास 171.2। ये अभी हमारा मीन निकला है, ठीक है। जैसे हमने पहले मीन भी कैलकुलेट किया था ना, तो वैसे ये अब हमारा मेन निकला है। अब हम जाते हैं, हमने एक्चुअली जो निकालना है वो निकालना है हमने एम डी, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास 1 अपॉन n सिग्मा, ये पर भी मैंने लिखा हुआ है एफ एक्स माइनस एक्स बार। मॉड भी लगाते हैं हम, जैसे कि जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है जो हमने ये एक्स कैलकुलेट कर रखा है, एक्स माइनस जो हमने ये निकाला है एक्स बार। साइंस आप कुछ भी लगा सकते हैं, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके कैलकुलेशन में। आप देखिए एक्स हमने जो कैलकुलेट कर रखा है, एक्स माइनस एक्स बार, मतलब 145 में से आपको इसको माइनस करना है, ठीक है। इन सारी वैल्यूज़ में से आपको इनको माइनस करते रहना है। अब 145 में जब आप 171.2 को माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 26.2। अब देखिए 145 में से जब आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, लेकिन जब हम मॉड लगा देते हैं तो मॉड लगाने से जो नेगेटिव वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। तो ऐसे ही हम इन सबको क्या करते रहेंगे, इसमें से माइनस करते रहेंगे। 16.2 हो जाएगा, 6.2 हो जाएगा, 3.8,
13.8 और 23.8 इस वैल्यू में से 145, 165, 165 में से 170 माइनस 171.2 को 171.2 को आपको माइनस कर देना है। अब देखो, अब हमको हमारे पास जो फॉर्मूला है हमको चाहिए एफ एक्स माइनस एक्स बार। तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस एक्स बार से। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है ये एफ फोर, इसे इसको मल्टीप्लाई करना है। 104.8 हो गया, 97.2, 62, 68.4, 124.2 और 71.4। अब देखो इसको हमको सिग्मा चाहिए, सिग्मा मतलब इसका टोटल चाहिए हमको, हमको चाहिए सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार। ओके, कैलकुलेट कर लेते हैं, इन सबको आप टोटल कर लेंगे तो हमने टोटल करा हुआ है, जो ये है टोटल इसका 528। ठीक है, सारी वैल्यूज हमको मिल गई, जो भी हमारे पास फॉर्मूला था 1/n सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार। एफ आप हम पे है, ये है 50। ठीक है, तो ये जो टोटल वैल्यू है सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार 528 डिवाइडेड बाय एन, मतलब सिग्मा एफ 50, तो ये हमारा इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आएगा आपका 10.56। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपके पास जो गिवन डेटा था ये डेटा हमारा इतना डेविएट हो रहा है, 10.56 यूनिट्स जो हमारा डेटा डायमेंशन डेटा डेविएट हो रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से।